प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, दिया हुआ है हमारे को द सीपी ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल्स टू द एसपी ऑफ 25 बुक्स, फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। क्या करेंगे हम, एसपी जो एसपी है एंड सीपी है, इसका हम रेशो बनाएंगे। कैसे, चलिए चेक करते हैं। जो 30 बुक्स है उसका जो सीपी है वो कितना दे रखा है, 25 बुक्स एसपी के बराबर। तो रेशो पता लग जाएगी यहाँ से, हम निकालेंगे एसपी अपॉन में सीपी इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 25। देखिए कितना बड़ा है एसपी, 5, किस पे बड़ा है, सीपी पे, 25 इंटू 100, 25 इंटू 4, 20%। ठीक है, और ये देखिए इससे हमारे को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये इससे पता लगेगा। एसपी बड़ा है सीपी से, तो एसपी बड़ा होता है जब भी तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है द लॉस परसेंटेज ऑन द आर्टिकल इज 15%। तो लॉस परसेंटेज देखिए, लॉस परसेंटेज क्या है, 15%। अब इसी को हम अगर लॉस की वैल्यू लेते हैं, अब परसेंटेज था यहाँ लॉस था, तो 15/100 हो जाएगा, तो ये होता है लॉस। और लॉस हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, तो अगर सीपी 100 है और लॉस 15 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 75, सॉरी 15 है ना, तो 100 में से 15 जाएंगे तो 85 आएगा एसपी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को निकालना क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी, सीपी टू एसपी। तो सीपी कितना हुआ, 100, और एसपी कितना हुआ, 85। ये है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे को क्या करना है, क्या दे रखा है, इफ़ द एस सी पी ऑफ द आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो नाम से पता लग रहा है, सॉरी स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि हमारे को क्या दे रखा है, द सी पी परसेंटेज। तो चलिए सी पी परसेंटेज कितना दे रखा है, 85 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो हम जब ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये नीचे लगेगा 100। ठीक है, तो सी पी दे रखा है वो 80% है ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे सी पी दे रखा है 80%। तो कितना, देखिए अब इससे पता लग रहा है कि सी पी कम है और एस पी जाता है तो प्रॉफिट ही होगा, इसीलिए क्वेश्चन में भी बोला हुआ था प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखिए सी पी पर कितना ज़्यादा है, 20, और किस पे ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है, सी पी पे। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकला जाता है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज किसी और तरीके से बोला होता तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस नीचे लेते, लेकिन कुछ नहीं दे रखा है तो हम नॉर्मली लेंगे जो दिया होता है। तो 20 दे रखा है, प्रॉफिट है 20, प्रॉफिट है और किस पे दे रखा है, 80 पे, तो परसेंटेज निकल जाएगा 2 4 जा और 4 25 जा, मीन्स 25 परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट है।